अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के रिएक्शंस। तो अल्कोहल के रिएक्शंस मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कोई एलिमेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई अदर कंपाउंड है, तो इस टाइप के हम एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो अभी सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में किस टाइप का रिएक्शन देखेंगे, तो अभी हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। मतलब अल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड है वो OH बॉन्ड का ब्रेकेज होएगा, तो वो उस टाइप के रिएक्शंस को हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले होगा उसी में एक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब जब मेटल्स अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड होगा और हमें हमारा दूसरा कंपाउंड मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने C2H5OH लिया, तो ये है हमारा इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। अब ये सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल हमेशा कोई भी एटम हो हमेशा टू के फॉर्म में होते हैं। अभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें कैसा होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का Cl2 होता है, लेकिन इसको हम Na2 नहीं लिख सकते, इसको हम लिखते हैं 2Na, मतलब 2 एटम ऑफ सोडियम, ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ये है 2 एटम्स ऑफ सोडियम। तो 2 एटम्स ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद 2 एटम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो हमें क्या मिलेगा, तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड होगा, मतलब ये जो O और H का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो H निकल के बाहर आ जाएगा और ये जो Na है वो O की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि H भी पॉजिटिवली चार्ज रहता है, Na भी पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो एक तरह का दोनों का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये हमारा हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका हमारा सब्सटीट्यूशन हो रहा है। तो ये हो गया ONA। अब ये टू मॉलिक्यूल्स है, तो सीधी सी बात है दो हाइड्रोजन निकलेंगे, तो दो हाइड्रोजन खुद से कंबाइन होकर गैस बन जाएंगे, और बचे हुए जो दो टू सोडियम एटम है वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे इसके इसमें बाइंड करेंगे और हमें मिलेगा ONA, यानी कि ये जो इथाइल और ONA, तो इसको बोलेंगे हम सोडियम इथेनोएट, यानी कि सोडियम ये हमारा इथेन, ये ओएट, मतलब जो अगर बीच में ओ रहता है और उसके आसपास मतलब अल्काइल ग्रुप या यहाँ पे भी अगर कोई अल्काइल ग्रुप होता तो वो ओएट हो जाता है। तो ये हो गया सोडियम इथेनोएट, तो ये हो गया सोडियम इथेनोएट और हमारा बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। अब सेम में अगर मैं सोडियम की जगह अभी एल्यूमिनियम यूज़ करूँ, तो सोडियम के उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अभी अगर एक एटम लेंगे ऑफ एल्यूमिनियम तो उसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई अल्कोहल लगेगा, लेकिन एल्यूमिनियम भी एक मेटल है तो वो भी 2 फॉर्म में होगा, तो मतलब 3 2s, मतलब अगर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 प्लस है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, तो 3 2s 6, तो इसके लिए हम यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यूज़ करें। अब अल्कोहल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल यानी कि क्या, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्योंकि 1 2 3 4, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इस ये हमारा कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नेम देखेंगे तो 1 2 3 प्रोपेन, 2 पे मिथाइल, 2 पे OH, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ol, तो ये हमारा IUPAC नेम और कॉमन नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर इससे करेंगे तो एल्यूमिनियम से ये सब मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि एल्यूमिनियम का अब यहाँ पे OH के साथ ब्रेकेज होगा, तो H निकल जाएगा, यहाँ पे O रहेगा, O बाइंड होगा क्योंकि O नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक इससे बाइंड करेगा और वो रिमेनिंग पूरा रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमिलरली टोटल 3 सेटिस्फाई करने हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे अलग अलग, मतलब सेम O टर्शरी ब्यूटाइल, O टर्शरी ब्यूटाइल, O टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये बाइंड हो जाएगी एल्यूमिनियम के साथ। अब ये तो सिंगल एल्यूमिनियम एटम के साथ बाइंड किए, यहाँ पे एल्यूमिनियम एटम्स कितने, 2 एटम्स, तो जो भी है प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, यानी कि ये जो भी है इसका हमें वापस और एक डबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसको कुछ सिंप्लीफाइड व्यू में मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि जैसे अभी टर्शरी ब्यूटाइल होता है तो कभी भी हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट में CH3, उसके बाहर के ब्रैकेट में यहाँ पे 3, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये जो 3 है इससे मालूम पड़ता है कि हमारा जो भी कंपाउंड है वो टर्शरी कंपाउंड है।
और टोटल उसका 3 है, वो बाइंड कर रहा है एक बाहर के कार्बन और ऑक्सीजन से, और वो कार्बन ऑक्सीजन बाइंड है एल्यूमिनियम से, मतलब ये। तो ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो सिंपली हम ये सिंपल इसको एक्सटेंडेड मेथड से ही लिखेंगे, यानी कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो सीधी सी बात है ये जो मॉलिक्यूल्स अटैच होगी वो 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होगी, 1, 2, 3, और ये टोटल कितने हैं 2 एल्यूमिनियम। तो सिमिलरली ऐसा एक और एक बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। और जो H2 है, अभी H2 मतलब यहाँ पे टोटल कितने 6 है, तो 6 हाइड्रोजन हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आता है, तो मतलब 6 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखेंगे, उसको हम H2 गैस में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो H2 ये 2 आ गया, मुझे 6 चाहिए, तो 6 कैसे मिलेगा, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 3 3 2 6, तो ये हमारा 6 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, ये कुछ इस फॉर्म में बनेंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन गैस, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है उसकी भी 3 मॉलिक्यूल्स है ऐसा। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से, ये हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करके हमने कैसे सोडियम इथेनॉइड बनाया, और ये हमने एक टर्शरी अल्कोहल लेके हमने कैसे अलग मेटल आयन के साथ इसका किस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिला। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग ऑफ ओएच बॉन्ड का पहला। अब हम देखते हैं दूसरा, यानी कि इस्टरीफिकेशन, बट वो सब जानने के लिए हमें ऐसा देखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल है, मतलब ये जो मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल ऐसा रहेगा, अल्कोहल की भी एक एसिडिटी रहती है पर्टिकुलर, मतलब कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, तो उसमें ऐसा रहेगा कि प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक रहेगा, सेकेंडरी थोड़ा कम और टर्शरी एकदम कम, बिकॉज अब ये जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा उसकी एसिडिटी कम होते जाएगी, मतलब ये जो OH है, OH का एक्टिविटी धीरे धीरे कम होएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्किनेस ज़्यादा आ जाएगा, मतलब जो भी हमारा रिएक्शन होगा, रिएक्शन इसको करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल, मतलब टर्शरी ये ग्रुप है अल्काइल, ये इस OH को प्रोटेक्ट करता है, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और इसी वजह से इसका स्ट्रेंथ भी मतलब वीक हो जाता है, मतलब एसिड ये लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक मतलब क्या, लेस रिएक्टिव, तो ये लेस रिएक्टिव है, और इसमें यहाँ पे ओनली प्राइमरी अल्कोहल है, इसको कुछ प्रोटेक्ट करने वाला ज़्यादा कुछ ब्रांचेस नहीं है, तो वो इजीली सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो इसके लिए हमें प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक रहता है, मतलब हाईली रिएक्टिव, सेकेंडरी इज लेस, टर्शरी इज मोर लेस। इसी से हम देखेंगे कि इस्टरीफिकेशन, अभी इस्टरीफिकेशन यानी कि क्या, इस्टर मतलब R C डबल बॉन्ड O O R। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इसको R1 और R2 करके मैंने मेंशन किया है, तो मेन हमारा क्या है, ये C डबल बॉन्ड O O, वो दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप से बाइंड कर रहे हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं ईस्टर। तो भी ईस्टरीफिकेशन यानी कि क्या, अगर जो भी हमारा अल्कोहल है, जैसे कि इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एसिड से करता हूँ, एसिटिक एसिड यानी कि क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक यानी कि हमारा ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम एसिटिक या एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि C डबल बॉन्ड O OH आ गया, तो वो हो गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन विद इथेनॉल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, तो इधर एसिडिक एनवायरनमेंट कौन सा, अब ये जो एसिटिक एसिड है वो हमारा वीक एसिड है, और H प्लस यानी कि क्या, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, मोस्टली हम सल्फ्यूरिक एसिड ही हर जगह यूज़ करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, अब ये जो है CH3C डबल बॉन्ड O, तो जैसे कि हमने देखा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, तो ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो H निकल जाएगा, H की जगह और यहाँ से भी H निकल जाएगा, दो H निकलेंगे, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो अभी वो रिएक्शन कैसे होगा, तो ये H और यहाँ से ये OH, मतलब ये इथेनॉल जो है, इथेनॉल का OH निकल जाएगा, एसिटिक एसिड का H निकलेगा, या फिर अगर हम रिवर्स में भी देखें तो ये भी कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ये H ब्रेक हो जाएगा
और यहाँ से ये OH निकलेगा। मोस्टली अल्कोहल का ही OH ब्रेक होता है क्योंकि हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा होगा कि जो अल्कोहल का OH है यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकलेगा। तो H और OH निकल गए, हमें वाटर मिल जाएगा। अभी बचता क्या है, OC2H5। तो OC2H5 कहाँ आ जाएगा, वो ये वाले कार्बन पे आ जाएगा क्योंकि OH निकल गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा ये बाजू का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉइंड कर देगा, तो OC2H5। तो इससे हमारा मिला हमें ईस्टर। तो ईस्टर कैसे, अब ये जो है यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं जैसे कि इथाइल मिथाइल ईस्टर, ये हो गया एक सिंपल नेम। दूसरा इसका कॉमन नेम है, अब क्योंकि ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल, तो फिर यहाँ पे अगर ओ आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड, एकदम उसको सेंटेंस फॉर्म में। मतलब ये जो था हमारा इथेनॉल, तो वो क्या है, इथाइल, अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है ईस्टर में, तो इथाइल ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये हो गया एक तरह का मतलब रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि कौन सा, वीक एसिड। अब हम देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन हुआ। एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विथ सेम इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल इन एसिडिक एनवायरनमेंट H2SO4। तो अब इसमें कैसे होगा, सेम OH का ब्रेकिंग होगा। जब OH का ब्रेकिंग होगा तो यहाँ से ब्रेक होके, अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से भी एक ब्रेकेज होगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगा तो वो जो H प्लस है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर बचा हुआ जो OC2H5 है वो इसके साथ आ जाएगा बराबर, तो ये हमें मिल जाएगा ईस्टर, सेम ईस्टर इथाइल एसिटेट। और बचा हुआ जो ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से जो H निकला था वो H आ जाएगा इधर और वो बन जाएगा एसिड, एसिटिक एसिड, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ का H, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड और ये हमारा सेम पहला वाला कंपाउंड इथाइल एसिटेट मिल गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिटिक एनहाइड्राइड से हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिला। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा अभी क्लोराइड कंटेनिंग मतलब हैलोजन वाला कंपाउंड से हम कैसे अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो है ये जो कंपाउंड है उसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल यानी कि क्या, हमारा यही फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये हमारा मतलब एक ग्रुप है पर्टिकुलर, उसको हम एसिटाइल बोलते हैं। तो एसिटाइल क्लोरीन, तो एसिटाइल क्लोराइड। व्हेन एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, तो इसमें जैसे इन सब में देखा कि एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है रिएक्शन को बूस्टअप करने के लिए, इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो है ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट को हम एसिड के इसमें ट्रीट नहीं कर सकते, इसके लिए इसमें अलग कंपाउंड पाइरिडीन लग रहा है। तो पाइरिडीन का रिएक्शन कैसे हो रहा है, सेम OH बॉन्ड का ब्रेक होगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो H एंड Cl वो बन जाएगा HCl, फिर बचा हुआ OC2H5 है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमें हमारा सेम प्रीवियस कंपाउंड इथाइल एसीटेट। तो इससे हमने ये देखा इस्टरिफिकेशन में कि जैसे इथाइल एसीटेट है या फिर इथाइल ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड, वो हमने तीन अलग अलग मेथड से सेम कंपाउंड मिला है हमें। तो वो कौन से मेथड है, जैसे एक मिला एसिड से, एक मिला एनहाइड्राइड से और एक मिला एसिटाइल क्लोराइड यानी कि क्लोराइड सॉल्ट ऑफ एसिड्स। तो ये हमने देखा कि दो मेथड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में, एक तो मेटल से, दूसरे थे हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे एसिड हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया या फिर एसिड का ये सॉल्ट हो गया उससे, मतलब इस्टरिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा एक पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड।